सबा, क्या आप दिन गिन रही हैं? मैं जानती हूँ बेटा, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मेरी गोलगप्पे फीस्ट जरूर लेकर आइएगा, मैं तुम्हारी शादी तक इंतजार नहीं कर सकती। तुम क्या खूबसूरत दुल्हन बनोगी। सबा, तुम ठीक हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था कि उस रात क्या होता है। मैं नहीं जानती मैं इसके लिए अभी तैयार हूँ या नहीं। परेशान मत हो, हर कोई इस वक्त पर घबरा जाता है, ये नॉर्मल है। नहीं आंटी, मैं घबरा नहीं रही, मैं बस अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि कैसे उसके शौहर ने खुद को उस पर मुसल्लत किया हुआ है। मैं परेशान हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ये तुम्हारा जिस्म है और इसमें तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए। तुम्हारे शौहर को ये बात समझनी चाहिए कि ये दो तरफा ताल्लुक है, दोनों को एक दूसरे की इज्जत और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। और आप जो करने जा रहे हैं, आप दोनों को दिमागी तौर पर इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। शुक्रिया आंटी, मैंने बस अपने दोस्तों और शौहरों की बीवियों पर दबाव और बीवियों की ड्यूटी के बारे में बहुत ज्यादा सुन रखा है। ना का मतलब ना, या तो ऐसा बोलो या ऐसा दिखाओ, और ये सब पर लागू होता है। तुम महीर से बात क्यों नहीं करती? उससे बात करके बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। शुक्रिया आंटी, मैं महीर से बात करूंगी। मैं साफ तौर पर ये सोचती हूँ कि जब मर्द अपनी बीवी या अपने साथी के साथ हम बिस्तरी करना चाहता है तो उसे हाँ की ही उम्मीद होती है। मेरा मानना है कि मेरी परवरिश और चुनावी एशियाई बिरादरी के बीच मर्दों की आवाज़ हावी होती है, यह बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना है कि औरतों के हक की आवाज़ है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी ख्वाहिशों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। क्या आप रजामंदी का माना जानते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ कह रही है मतलब रजामंद है, पर अक्सर फर्क होता है हाँ कहने और उसके लिए दिल से तैयार होने के बीच। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसके बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ, मैं फैसला नहीं ले पा रही हूँ। मुझे लगता है कि रजामंदी का मतलब इससे बड़ा है। मुझे लगता है इस दरमियान खुशी महसूस करना, तैयार और इत्मीनान महसूस करना शामिल है, ना कि सिर्फ हाँ कहना। मेरे ख्याल से वो शख्स जिसके आप करीब हो, वो आपकी जिस्मानी जबान को समझता है, वो समझ जाता है कि असल में आप क्या चाहते हो, आपको अच्छा महसूस हो रहा है या नहीं, आप असल में हाँ कहना चाहते हैं या ना। क्या आपको लगता है कि सारे रिश्तों में रजामंदी लागू होती है? मिसाल के तौर पे अगर कोई शादी करना चाहता है तो भी क्या आपको लगता है कि रजामंदी शामिल होगी? हाँ बिल्कुल, आप हमेशा अपना ख्याल बदल सकते हैं और साथी को समझ लेना चाहिए कि अगर आप अपना ख्याल बदलते हैं तो कोई हाँ, दबाव नहीं डालना है। यकीन तौर पर मुझे लगता है कि आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी भी वक्त रजामंदी दे सकते हैं, और किसी चीज में इत्मीनान महसूस नहीं कर रहे तो रजामंदी ना दें। हर बार शौहर के हमबिस्तरी के मुतालबे पर औरत क्या उससे राजी हो जाती है? मेरे ख्याल से एक ख्वातीन पर पक्के तौर पर ये दबाव होता है कि वो अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी करे। जैसा मुझे खानदान और अपने कुनबे के फर्दों ने बताया कि शौहर जो चाहता है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं सोचती हूँ कि आज भी अगर पोते पोतियों को ये सिखाया जा रहा है तो यकीनन ये नौजवानों पर असर करेगा। मेरे ख्याल से ये मर्द गलवा मुआशरा की वजह से है, वो मुआशरा जिसमें हम रहते हैं। हम सोचते हैं कि औरतों को हमेशा देना पड़ता है, हम हमेशा देते ही हैं, ये समझे बिना कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है शादी के अंदर रजामंदी की फहम है? मेरे ख्याल से जनूबी एशियाई बिरादरी में शादी के बाद रजामंदी एक मुश्किल हजमून है। शादी मियां बीवी के बीच एक इकरारनामा समझा जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इसमें कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ इख्तियार और किरदार शामिल हैं। एक जुनूनी एशियाई ख्वातीन अक्सर महसूस कर सकती है कि उसे इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है, चाहे घर की देखभाल के जरिए शौहर को खुश करना हो, बच्चों की देखरेख हो या शाम का खाना पकाना हो। मेरे ख्याल से हम बिस्तरी भी इसी में शामिल है। इसलिए एक रिवायती शादी में ये हो सकता है कि बीवी को महसूस होता है कि उसे अपने शौहर को खुश करना ही है, चाहे वो असल में खुश और इत्मीनान न भी हो। इस सब में अहम बात यह है कि दोनों क्या चाहते हैं, इस तजुर्बे को एक दूसरे के साथ बांटें, आपसी रजामंदी से इत्मीनान और खुशी महसूस करें। ये बहुत जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की मर्जी को समझें और इज्जत दें। उस औरत के लिए आपका क्या मशवरा है जो हम बिस्तरी के लिए मजबूर की जाती हो? अगर मेरी दोस्त मुझसे कहे कि शादी वाले रोज वो अपने शौहर के साथ हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं, तो मैं कहूंगी ठीक है नहीं करो,
अगर आप तैयार नहीं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों के बीच बातचीत बहुत अहम है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी परवाह नहीं करती। मैं बस इसके लिए रजामंद नहीं हूँ। मेरे ख्याल से हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त होता है जब वो किसी के करीब आना चाहता है। मुझे लगता है आप जितना आहिस्ता चलेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सबसे बेहतरीन सलाह जो मैं दे सकती हूँ वो ये है कि आप अपने दिल की सुने, जिस्म की सुने, अपने दिमाग की सुने। जो ये सही नहीं लगता तो ना करें, अगर सही महसूस होता है तो करें। अपने दिल की बात सुने समझदारी से, क्योंकि ये आपके जिस्म से बातचीत कर रहा है। आप पहले नंबर पर हैं, आपको पहले नंबर का ख्याल रखना होगा। आपकी सेहत आपकी है, किसी और की नहीं। आपके लिए मदद है, आप जीपी के जरिए मदद ले सकते हैं। आपके माशरे में ख्वातीनों का मदद गिरोह, बाहर जाकर मशवरा लें, किसी के साथ बात करें। किसी दोस्त के साथ बात करना बहुत मदद करता है। ये ज्यादती है, मैं जानती हूँ। कई दफा आपके दिमाग में दोहरे ख्याल आ सकते हैं। आप ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि आप अपने शौहर के साथ ये करना चाहते हैं, पर ये गैर मुनासिब है। अगर आप पर हम बिस्तरी का दबाव डाला जा रहा है या जिना बिल जबर हो रहा है, तो यहाँ कुछ मुलाजिमत हैं जिनके साथ आप बात कर सकते हैं। वो यहाँ आपके लिए हैं, वो यहाँ आपकी बात सुनने के लिए हैं। सिर्फ बोलें। हर किस्म की हम बिस्तरी के लिए रजामंदी देने की जरूरत है। जरूरी नहीं ये सिर्फ दाखिल करने वाला हो। दोनों को किसी भी किस्म की हम बिस्तरी के लिए रजामंदी की जरूरत होती है और वो किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। एक सरगर्मी के लिए रजामंद होने का मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज के लिए रजामंदी दी है। जिना बिल जबर के शिकार हुए लोगों या जिन्होंने तलफ को महसूस किया है, उनके लिए बहुत सारी मदद दस्तयाब है। सारी मदद पोशीदा रखी जाती है और अगर आपको जरूरत हो तो तर्जुमा भी किया जाता है। क्योंकि हम बिस्तरी के लिए मजबूर करना जिना बिल जबर है, भले ही वो आपके शौहर ने किया हो। मदद के लिए आप इनमें से किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। Ba-da-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum. Ba-da-bum-bum-bum.